बच्चों को कैफेज में या फास्ट फूड जॉइंट्स में मिलने वाले मिल्क शेक्स बहुत पसंद होते हैं, और अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो बच्चे उन चीजों के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं। तो क्यों ना बच्चों को उनका फेवरेट ओरियो मिल्क शेक घर में बना के दें, वो भी बिल्कुल कैफे स्टाइल में, जिसे देखकर बच्चे एकदम खुश हो जाएं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध का ग्लास देखते ही दूर भाग जाते हैं कि हमें दूध नहीं पीना, और उन बच्चों को जब आप बाहर लेके जाते हैं तो वो मिल्क शेक को बड़े ही शौक से पीते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्यों ना हम घर में ही बनाएं मिल्क शेक, और वो भी ऐसा जो बिल्कुल कैफेज में मिलता है या रेस्टोरेंट में मिलता है। बच्चों का एक बहुत ही फेवरेट मिल्क शेक है ओरियो मिल्क शेक, और आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप ये रेसिपी बच्चों को बनाकर पिलाइए और ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैफे स्टाइल ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी। ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। ओरियो बिस्किट्स को हम रफली छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। हमें इन ओरियो बिस्किट्स को दूध के साथ ब्लेंड करना है, इसलिए इनका सेम साइज का होना जरूरी नहीं है। अब इन ओरियो बिस्किट्स को मैंने रफली पीसेस में कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग जार, और उसमें मैंने डाला है ठंडा दूध। दूध के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला आइसक्रीम, थोड़े से आइस क्यूब्स, और ये डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी जो हमने ओरियो बिस्किट्स तोड़े थे। यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम को ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन वेनिला आइसक्रीम ऐड करने से इसे एक अलग ही थिकनेस और रिचनेस मिलती है। अब हमें इन सब चीजों को एक साथ ब्लेंड करना है। इन्हें हमें लगभग 15 से 20 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है या चर्न करना है, या तब तक हमें ब्लेंड करना है जब तक कि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता। और लीजिए, हमारा ओरियो मिल्कशेक एकदम तैयार है। आप चाहें तो इस ओरियो मिल्कशेक को इसी तरीके में या इसी फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा कैफे स्टाइल में सर्व कर रही हूँ। तो उसके लिए हम एक लंबा ग्लास लेंगे और उस ग्लास की एजिस में हम स्प्रेड करेंगे चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस को ग्लास की एजेस में लगाने से ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ इससे मिल्कशेक का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब ये चॉकलेट सॉस डालने के बाद मैं इस ग्लास में ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच या 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने मिल्कशेक ब्लेंड करके तैयार किया है। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने इस मिल्कशेक को ब्लेंड करते समय इसमें चीनी ऐड नहीं की थी, क्योंकि ओरियो बिस्किट्स और आइसक्रीम में काफ़ी चीनी रहती है और वो बहुत ओवर स्वीट हो जाएगा अगर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें वो चीनी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी व्हिप क्रीम के साथ। मैं यहाँ पर ये स्प्रे व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप फ्रेश क्रीम को भी व्हिप करके ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे फाइनली गार्निश कर रही हूँ ओरियो बिस्किट्स के कुछ पीसेस के साथ। आप चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और ऐड कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप कॉफी पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये ओरियो बिस्किट्स के साथ गार्निश करके अच्छे लगते हैं। तो जैसे भी आपके बच्चे को पसंद हो, आप उसे उसी तरह से गार्निश करके दे सकते हैं। तो लीजिए, हमारा कैफे स्टाइल ओरियो मिल्कशेक एकदम तैयार है। ओरियो मिल्कशेक को बनने में 2 मिनट भी नहीं लगे और बच्चे भी खुश हो गए कि उन्हें वो कैफे वाला ओरियो मिल्कशेक घर में मिल गया, और वो भी बिल्कुल उसी टेस्ट का जैसे कैफे में बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल नेहा स्पाइस गली को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।